हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15, ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या प्लस टू का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसके वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे, बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I am doing to the circulation of the body fluids, the most important topic for the NIS plus 2 biology chapter number 15. The also as a NCERT and UP on Bihar board biology student, the circulation of the body fluid. The body fluid is the most important. There is a body of almost all animal has a sum of fluid circulation in the body. The fluid is a constantly the distribution of system to supply of substance, as well as the connective system to pick up the substance from the various part of body, including the dermatest cells, and what are this fluid, how they are circulated, and there in what way do their function in our body. This and there are many more questions will be answered this lesson. After the study this lesson, you will be able to explain the importance of circulatory system in human body and differences between the open and closed system of circulations, and the list and the draw the organ of circulatory system of cockroaches, and the list or draw the organ of circulatory system in humans, and describe to the histology, function and conception of the blood in humans, and compare the structure and function of on arteries, veins and the capillaries, and explain the process of blood coagulation in a human, and the name of the blood group, and describe to metabolism of blood transfusion, and also explain the blood pressures, and describe the lymphatic system, and mention their component, and define the immunity, and describe to the different types, and explain various immunodeficiencies disorder, and name and describe some blood related disorders such as a hypertension, as anthroma and the atherosclerosis. Explain the importance of ECG and the role of pacemaker and treated to heart beat related disorder. Friends, the most important today
चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर जो है देह तरल पदार्थों का परिसंचरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे NIOS में हैं उनको तो है ही है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, लेकिन ये NCERT यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उनमें जो है ये चैप्टर है सम्मिलित, तो इसका मतलब उनका चैप्टर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ जानेंगे। कहते हैं कि अगर परिसंचरण हमारे देह तरल पदार्थों की बात करें तो सभी प्राणियों में जो होता है ये किसी न किसी प्रकार से होता ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो विचारधारा नहीं है। कहते जो शरीर के परिसंत्र यानी परिसंचरण का मतलब दोस्तों यही होता है, परि मतलब है चारों ओर और संचरण का मतलब होता है इधर उधर। तो इस तरह से जो है आपको परिसंचरण बना है, यानी परि का मतलब चारों ओर या उधर हो सकता है और संचरण का मतलब जाना आना, लाना ले जाना। तो यानी ये क्या करता है, फ्लूडो को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पहुँचाता है, जो हम ऑलरेडी जो है प्लांट वाला चैप्टर में किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फ्लोएम और जाइलम का क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य थी। अब यही बात जो है इंसानों के यानी जो प्राणी, ठीक है, जो प्राणी जितने भी हैं उनमें कैसे ये जो होती है संचरण होती है। तो परिसंचरण का मतलब यही होता है दोस्तों, परि मतलब चारों ओर या इधर उधर, और संचरण का मतलब होता है जाना आना, लाना ले जाना। ठीक है, ये जो है तरल शरीर के विभिन्न भागों के लिए विकृत कोशिकाओं सहित एक वितरण तंत्र यानी पदार्थों की समृद्धि के कार्य के साथ साथ एक संगामी तंत्र पदार्थों को एकत्र करने का कार्य भी करती है। और ये तरल पदार्थ कौन कौन से हैं इसके विषय में हम जानेंगे, इसका परिसंचरण किस प्रकार होता है और हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है, ये भी हम जो है भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, तथा ऐसा ही अन्य प्रश्नों का इस पाठ में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कितना कुछ है। लेकिन जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत कुछ जान जाओगे, जैसे कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के महत्व की व्याख्या कर सकोगे, खुले और बंद प्रकार के परिसंचरण में जो है अंतर बता सकोगे, और तिलचट्टे के परिसंचरण के विभिन्न अंगों की सूचना बना सकोगे, उनका जो है आरेख भी बनाने में सक्षम हो जाओगे। मानव के परिसंचरण के विभिन्न अंगों की सूची भी बना पाओगे और उसके आरेखित चित्र भी बना सकते हो, और मानव में रुधिर के ऊतक विज्ञान और प्रकार के संलग्न का भी वर्णन कर सकोगे। धमनी शिरा और कोशिका की संरचना और उनके कार्य की तुलना भी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मानव में रुधिर संकेतन की प्रक्रिया का व्याख्या भी कर सकोगे और जो है रुधिर समूह का उल्लेख कर सकोगे, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी ब्लड ग्रुपिंग भी कर सकते हो और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है इसके विषय में भी आप भली भांति समझ सकोगे। साथ में रुधिर दाब की व्याख्या भी कर सकोगे और रुधिर के संबंधी कुछ विकार यानी बीमारी जैसे कि उच्च रक्तचाप, एथेरोमा और धमनी कष्ट यानी ऑस्टियोलाइसिस, यानी इसके नाम बता सकोगे और उसका वर्णन भी कर सकोगे। दोस्तों यहाँ पर जो है एट्रियोस्क्लेरोसिस जो होती है काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। साथ में जो है हृदय संबंधन के संबंधी बीमारियाँ का जो उपचार करने में हम ECG और प्लेस मेकर की क्या भूमिका है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हमारा पहला जो है टॉपिक क्या है। द फर्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। द हेयर सर्कुलेटरी सिस्टम, अवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल, आवर बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स नीड अ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, सेल नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड वेस्ट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम देम, इट इज अ जनरल प्रोसेसिंग फॉर ऑल एनिमल, मीन्स एनिमल्स प्लांट एनियन, द हार्मोन्स आर ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर एंडोकाइन ग्लैंड विच इज स्क्रैप देम देयर रिस्पेक्टेड टारगेट सेल्स, and this work is a transportation of nutrition gas, the base and other substance from one part to our body to the other part, it is a carry out the blood and term to the circulation, there is carry out by blood and term it is called to the circulation, the organ responsible for the flow of blood, the organ responsible for the flow of blood is a lymphocytes through their various part of the body constitute of circulatory system. To understand what you mean to circulatory system, the organ responsible for the flow of blood and lymphs through the various part of body is a constitute their circulatory system. And the here the first is a function of circulatory system. What is the function of circulatory system? The first is a transport of nutrition to the tissue for their utilization. There is a transport of nutrient to the tissues for their utilizations, and transport of respiratory gases O2 and carbon dioxide to and from the cell,
एंड थर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम अ डिफरेंट टिश्यू एंड ट्रांसपोर्टिंग्स देम टू सेक्रेटरी ऑर्गन देयर इज अ रिमूवल then the secretary's organ there is removal for here and transfer of the hormone from the endocrine gland to a target organ transfer hormone from a endocrine gland to a target organ and protection of body by the destroying pathogens and uniforms or distribution of the heat in a body it is a most important function of the circulatory system in a human body and other animals body that is important and the types of circulatory system here depending upon the mode of circulations the circulatory system may be open or closed type the circulatory system is open and closed type here means two types of circulatory system there is the open and closed type the here first is open circulatory system the open circulatory system is the blood does not be flow in a closed vessel rather it is a flow through the part of body cavity it is a remain mix with the body fluid that is the work for the open circulatory system there is a blood does not flow to closed vessel rather to flow to the part of the body cavity and second is sufficient high pressure for circulation on the not be maintained here sufficient high pressure to circulation in not be maintained organs is like a pheromones and insect has a open circulatory system it is a most important question for PMD for worms and insect has a open circulatory system okay the open circulatory system here present and what do you mean to a closed circulatory system so here a blood flow in the well defined tube like a vessels the blood flow well defined is a vessels and sufficient high pressure is maintained sufficiently this year the high pressure is a maintenance and system is a more efficiency than is open types the closed systems are found in all vertebra friend their closed system is found in all vertebrates दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया है परिसंचरण तंत्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर परिसंचरण तंत्र होता क्या है किसे कहते हैं आखिर इतना बात जो हम पढ़ रहे हैं तो परिसंचरण का क्या है आखिर इसके बारे में हमें जानेंगे देखिए हमारे शरीर कोशिकाओं का बना होता है ये तो आपको भली भांति आप समझ जाए कि जीवित रहने के लिए कोशिकाओं के पोषक पदार्थों की ऑक्सीजन और आवश्यकता होती है देखिए हमारे कोशिकाएं तभी तक जीवित रहेगी जब तक इसमें ऑक्सीजन और जो है भोजन का स्थानांतरण होता रहेगा नहीं तो ये जीवित क्यों रहेगी आपने देखा होगा किसी को पेरिस प्लास्टर जब लगाया दिया जाता है तो वहाँ के जिस उस पार्ट के जो स्किन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बिल्कुल वाइट हो जाता है तो इसका कारण क्या है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं गई थी ठीक है तो कहते हैं हमारे कोशिकाओं को जो है पोषक पदार्थों और ऑक्सीजन की आवश्यकता सदैव बनी रहती है और साथ ही उसके भीतर जो है उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की आवश्यकता होती है मान लीजिए हम कोई भोजन ग्रहण किया है और वो हमारे बॉडी में कई दिनों तक रह जाता है तो इसका मतलब है कि आपको बीमारी कई प्रकार के हो सकते हैं तो ये बीमारी ना हो इसके लिए जो होता है ये अवशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो इसको देखते ही हो कि कितने बंदों को जो है ऑक्यूपेशन रहती है यानी जो कब्ज की शिकायत रहती है तो उनको कितनी तरह की तकलीफों को सामना करना पड़ जाता है कहते हैं हार्मोन को भी श्वेत अंतःश्वेत ग्रंथि जो उनका पुष्पवत करती है से उनके लक्ष्य कोशिकाओं का पहुंचाने की आवश्यकता होती है देखिए दोस्तों यहाँ पर यही होता है कि हार्मोन का भी यहाँ पर योगदान महत्वपूर्ण बना देता है क्योंकि ये जो होती है सारे चीज़ों को जो है पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है यानी जितने भी पदार्थ होते हैं उनको पहुँचाने में हार्मोन का जो है विशिष्ट अपना महत्व रखता है यानी सारे जो होते हैं हार्मोन के कंट्रोल में ही माने जा सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है पोषक पदार्थों का देखिए पोषक पदार्थ गैस अवशिष्ट पदार्थों का जो शरीर के बाहर एक भाग से दूसरे भागों में ले जाने का काम जो है रुधिर द्वारा की जाती है ठीक है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं आपको हमने पहले भी पिछले जो है चैप्टर में पढ़ा था प्लांट के बारे में जिसमें जाइलम और फ्लोएम का जो था ये सारे कार्य थे ठीक है यानी पौधों में जो है जाइलम और फ्लोएम करता है लेकिन इंसानों में जो होता है ये सारे काम जो है ब्लड का होता है जो कि आपको जो रुधिर जो होती है यानी ब्लड जो होती है विभिन्न पार्टों में जो है पोषक पदार्थों गैस हो और अवशिष्ट पदार्थों का जो है स्थानांतरित करने में करता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं परिसंचरण तंत्र कहलाता है यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं तो ये कभी बार एग्जाम में भी आ जाता है तो याद रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं तो परिसंचरण में वे अंग शामिल होते हैं जो रुधिर और लसिकाओं के शरीर के विभिन्न भागों में ताल ले जाते हैं यानी देखिए उस परिसंचरण में सारे शरीर के अंग आते हैं लसिकाएँ आती है जो यहाँ पर जो है भली भांति इसका कार्य और उपयोग करती है
कहते हैं परितंत्र के कार्य। अब देखिए सबसे बड़ी बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है कि परितंत्र के प्रकार क्या है, क्या कार्य होता है। तो ये कार्य जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है इसका। तो सबसे पहले तो फंक्शन यही आता है कि पोषक तत्वों का परिवहन ताकि उनका उपयोग किया जा सके। सबसे पहले तो यही काम होता है कि पोषक तत्व को जो है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य इसी का ही होता है, ठीक है, कोशिकाओं में। और उनसे श्वसन गैस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी इन्हीं के द्वारा ही होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं विभिन्न उत्कों जैसे उपयोगी अपशिष्टों को एकत्र करना तथा उनके निष्कर्षण के लिए उन्हें उत्संगों यानी उत्संग अंगों को जो है सर्जन यानी बाहर निकालना प्लस अंग तक पहुँचाना। तो ये सारे काम जो होता है पाचतंत्र के ही होते हैं। कहते हैं अंतःस्वादी ग्रंथियों में जो है हार्मोन का लक्ष्य अंगों का परिवहन करना नहीं होता। देखिए अंतःस्वादी ग्रंथियों में हार्मोन का लक्ष्य होता है अंगों तक परिवहन करना, यानी जहाँ तक अंग है वहाँ तक जो है वो चीज़ों को मिलना चाहिए। तो यही जो है अंतःस्वादी ग्रंथि जो है से हार्मोन का लक्ष्य यही होता है। तो इसमें जो है रोग जनकों के नष्ट करने के जो है रोग जनक जैसे होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी नष्ट करके शरीर की सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है पाचन तंत्र का ही होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमें कई तरफ टाइप के जो है बीमारियां हो जाती है, अगर पाचन तंत्र कार्य नहीं करेगा तो शायद उस बीमारी से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा। कहते हैं शरीर में ऊर्जा को सामान्य रूप से वितरण करना भी इसी का ही काम है कि शरीर में ऊर्जा का सामान्य रूप से वितरण करना जो है पाचन तंत्र का कार्य, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। उसके पश्चात है पाचन तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पाचन तंत्र के जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र की विधि के अनुसार जो है इसको पाचन तंत्र के खुले और बंद प्रकार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पाचन तंत्र जो होती है खुली, उसका क्या कार्य होती है। कहते हैं ये जो होता है रुधिर बंद वाहिकाओं के भीतर नहीं बहता है, यानी रुधिर बंद वाहिकाओं के भीतर नहीं बहता है बल्कि देह गुहा के विभिन्न भागों में होकर बहता है। इस प्रकार रुधिर देह के तरल पदार्थों के साथ मिश्रण होता रहता है, यानी तरल पदार्थों के साथ क्या करता है दोस्तों, मिश्रण करता रहता है। पाचतंत्र के लिए पर्याप्त उच्च दाब नहीं बनी रहती है, यानी पाचतंत्र के लिए उच्च दाब की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे झींगा हो गया, कीट हो गया आदि जीवों में जो है खुला पाचतंत्र होता है। तो ये जो है पीएमटी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि कौन से में किस जीव में जो है खुला पाचतंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि झींगा और कीट इसमें जो होता है खुला पाचतंत्र पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के व्यू से। उसके बाद पश्चात है बंद पाचतंत्र क्या है। देखिए कहते हैं रुधिर सुविकसित नाली जैसे वाहिकाओं में होकर बहता है, यानी बंद पाचतंत्र क्या है। तो ये जो होती है एक जो है सुविकसित नली जैसी वाहिकाओं से होकर बहती है, पर्याप्त रुधिर दाब बनी रहती है, इसमें जो है पर्याप्त रुधिर दाब बनी रहती है सदैव। और ये कहते हैं ये तंत्र खुले प्रकार के तंत्र से अधिक प्रभावित होता है और बंद पाचतंत्र जो है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी कोशिकाओं से बने जीव जंतु हैं उन सब में जो है ये तत्व पाया जाता है, यानी बंद पाचतंत्र पाया जाता है, यानी जितने भी कोशिकाओं वर्टिब्रा है उसमें सब में ये पाया जाना एक बात सुनिश्चित करती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉकरोचेस एज देयर सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोचेस इज अ ओपन टाइप। There is a circulatory system of cockroaches is of open types. It means there is a insect. It is a consist of the plastocytes heart. It means duracell blood vessels. And the sinuses is a throat which the blood flow. The blood is a colorless and fill the entire body cavity which are rightly to call to the adipocalls. There is a blood is called to the lymphocytes is the hemocalls is divided into three sinuses is the chamber. There is the hemocalls is divided into three sinuses chambers by the two horizontal septa is called to dorsal diaphragm. The two horizontal septa is called dorsal diaphragm and vertebra is the diaphragm. There are three sinuses are dorsal sinus are pericardic sinuses and enclose the heart means middles is the pericardial sinus glossing their various versus organ their ventral perineal sinuses enclosing their ventral nerve cord. Both the diaphragms are perforated to such as there are three sinuses remain to the communication with each other and their heart is ignited and tubular structure and close behind and the open is the front. The running all among to the middle lines and through the thorax and abdomen. It is a consist of 13
सेगमेंट्रीज अरेंजमेंट फनल शेप चैम्बर एंड द एट लिस्ट द एट एट द लेटर साइड ऑफ इच चैम्बर्स अपीयर्स ऑफ ऑस्टियास ऑन इच साइड द विच इज गार्डेड बाय देयर वेल्व्स एंड देयर थ्रो वेल्व्स इज ऑस्टियास देयर हार्ट इज कम्युनिकेटेड विद देयर pericardials sinus and third there is a heart continually is into the head to the entire atria and the which is the open into the hemicoles with the head and the attached to the each segment is a pair triangular artery muscle present on either side of the heart to show there a diagram the circulatory system of Cockroaches there is a head sinuosis and the dura sinuosis heart pericardial sinuosis and the pentaneurous sinuosis there is a digital diagram the structure of the system of cockroaches there is a their blood is a colorless fluid from the cockroach has a colorless blood fluid made of plasma the made of plasma and the cell term to hemocytes and there are blood of cockroach like maybe respiratory pigment it is not be involved with the transportation of our respiratory gases and it serves only for the transportation of the nutrient maintenance of the hydrostatic pressure and act the reserve of water the blood of cockroach is a circulate due to contraction of the relaxation of the heart and the arteries muscles this is most important दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया कॉकरोचेस के बारे में देखिए कॉकरोच को जैसे तिलचट्टे का नाम से भी जाना जाता है उसकी परिसंचारी तंत्र कैसा होता है तो क्योंकि कहते हैं ये बीएससी लेवल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहाँ पर जो है डाइजेशन आ जाती है कॉकरोचेस का और इसकी परिसंचारी तंत्र के विषय में भी पूछा जाता है जो बच्चों ने जूलॉजी ले रखी होती है तो कहते हैं कई मानने में हर जगह इंपॉर्टेंट होता है तो आपको सिलेबस रिगार्डिंग समझने का यहाँ जो है मौका मिल रहा है और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कई तरह के मौके दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश में आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं ठीक है आपको हर तरह समझाने की कोशिश किया जाता है तो दोस्तों आपका भी फर्ज है कि इसको जितना हो सके शेयरिंग कीजिए जिस बच्चों की जरूरत है क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है कोशिश यही करता है कि वीडियो हर एक बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे पता है कि एनआईएस के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर सही से उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि उनका सिलेबस जो है डिफरेंट होती है ठीक है होता तो है लेकिन उनके डबल सिलेबसों का जो है डॉस होती है तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है यहाँ पर डबल डॉस लाता है हिंदी और इंग्लिश में ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है तो आपका जो फर्ज है दोस्तों इसको जितना हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए और दूसरे बच्चे जो एनआईएस में पढ़ते हैं उन तक पहुँचाने में जो है आप मेरी मदद कर सकती हो ठीक है कहते हैं जो जग कल्याण की बात होती है ना उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है ठीक है गलत काम करोगे तो उसको करने से पहले आपको 50 बार सोचने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसका अच्छा और बुरा लेकिन यहाँ पर कोई बुराई नहीं है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये जो है दूसरे बच्चे तक जो है पहुँचाने का एक साधन है क्योंकि मैं तो इसमें डाल देता हूँ आ जाता हूँ बना के आपके पास पहुँचा देता हूँ लेकिन इसको आगे दूसरे बच्चे तक जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाना शायद मेरे बस में है नहीं क्योंकि मैं हर जगह नहीं हूँ तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर चैन के रूप में जो है बनाया गया है कि आप एक चैन बनाइए जिसकी वजह से जो दूसरे बच्चे तक भी ये वीडियो पहुँचे तो सोचिए नहीं समझिए नहीं सिर्फ आपको क्या करना है इसको शेयर करना है और पढ़ाई को जो है अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके जो है माता पिता को खुश करने की कोशिश करना है और ये करने में आप सक्षम भी होगे क्योंकि अब जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है हेल्प आपको मिल रहा है ठीक है तो आप जो है आप सोचने वाली बात कभी नहीं रहेगा जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको जो है मैं 100% जो है अच्छे से ऐसे मार्क्स दिलाने की सदैव कोशिश में ही लगा रहूँगा चलिए ये तो बात था एक जग कल्याण की बात जिसको आपको समझिए तो अच्छा है नहीं समझिएगा तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम तो सिर्फ बोल सकते हैं आपको ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता क्योंकि कहते ना अच्छे काम हो उसको करने के लिए कोई किसी को जोर देने की जरूरत नहीं पड़ता है अच्छे काम हाथ जो है ऑटोमेटिक कर जाता है तो इसमें सोचने की बात नहीं रहती ना समझने की बात रहती है तो यहाँ पर जो है हम तिलचट्टे का परिसर तंत्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहते हैं तिलचट्टे का पाचन तंत्र जो खुले प्रकार की होती है यानी ये ओपन टाइप होती है यह एक संवेदनशील हृदय होती है और इसका पुष्प रुधिर के वाहिकाएं और विभिन्न कटोरे का बना होता है जिसमें होकर यानी कटोरों से का बना होता है जिसके होकर रुधिर बहता है रुधिर जो होता है रंगहीन होता है आपने देखा होगा कॉकरोच जब मारा जाता है तो उसमें से कोई ब्लड नहीं निकलता इसका कारण ये होता है कि इनका जो खून होता है
और रंगहीन होता है, यानी कोई तरह यानी कलरलेस होता है जिसको कह सकते हो, ठीक है, यानी कलरलेस पाया जाता है। सारी देह गुहा में भरा हुआ होता है, इसलिए इस गुहा के रक्त गुहा कहते हैं। और ये रुधिर को रक्त लसिका रक्त गुहा के दो छैतीस पटों पर तीन कटोरों में बटी होती है। इनके पटों के मुख्य डायफॉर्म और अर्ध डायफॉर्म कहते हैं, और तीन कटोरों के नाम जो है पुष्प कोटर अथवा हृदय कोटर जिसके भीतर हृदय स्थित होती है, और मध्य परित्रांग कोटर जिसके भीतर विभिन्न तरंग यंत्रांग होते हैं यानी वेरिकुलर ऑर्गन स्थित होते हैं, और तीसरी जो होती है परितंत्रिका यानी वेस्टरल कोटर जिसके भीतर जो है अदर तंत्रिका रज्जु स्थित होती है, यानी दोनों की डायफोग्राम संरुद्ध होते हैं, और यही कारण है कि तीनों कटोरों में एक दूसरे से परम संपर्क में बने रहते हैं। यानी जो मैंने अभी तीन कटोरा का नाम लिया है दोस्तों, ये तीनों जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें पहला जो क्या था दोस्तों, मध्य परिअंतरांग कटोरा, ठीक है, कोटर परिअंतरांग कोटर। दूसरा जो था हमारे समक्ष क्या था, हमारा क्या था दूसरा, ठीक है, दूसरा जो था आपका ये हृदय पट हृदय परिहृदय कोटर, और तीसरा जो था आपके समझ परितंत्रिका कोटर। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना चाहिए कि हृदय कोटर, परितंत्रांग कोटर्स और जो है परितंत्रिका कोटर। तो ये तीनों चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है जो कि कॉकरोचेस में पाया जाता है। कई बार ये कोटर के बारे में जो है एग्जामिनर पूछ लेता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी तरह कन्फ्यूजन में रहो। कहते ये दोनों ही डायफॉर्म्स संदर्भ होते हैं, और यही कारण है कि तीनों कटोरे एक दूसरे से काफ़ी संपर्क रहते हैं, यानी इनका संपर्क जो है बना रहता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात भी रखता है, कहते हैं हृदय एक दृढ़कृत नालिकाएं संरचना होती है जो अपने पिछले छोर पर सदैव बंद रहती है, यानी हृदय जो होती है पिछले छोर पर बंद रहती है और अग्र सिरे पर खुली हुई रहती है। हृदय वक्ष के उदर की संपूर्ण लंबाई में मध्य रेखा के सहारे सहारे स्थित होता है, और हृदय सखंडस यानी व्यवस्थित तरह जो है कीप आकार कक्षों का बना हुआ होता है, यानी प्रत्येक कक्ष के पश्च में जो है प्रत्येक और एक दूसरे के जोड़े सम्य यानी अस्टियम्स होते हैं, और प्रत्येक अस्टियम में काप्ट वल्ल्य लगा होता है। इन अस्टियमों के द्वारा हृदय जो है परिहृदय कोटर्स के संपर्क में बना रहता है, और आगे का तरफ जो है हृदय जो है सिर के भीतर एक अग्र महाध्वनि के साथ अवांछनीय रूप से जुड़ा हुआ रहता है जो सिरे की रक्त समूहों में खुलती है। हृदय के दोनों तरफ जो है प्रत्येक खंड के साथ एक जोड़ी पक्षकार पेशियां लगी होती है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो है तिलचट्टे का परितंत्र दिखाया गया है, ठीक है, ये बहुत साधारण डायग्राम है, ठीक है, लेकिन है डिजिटल। सी साइलस आपको दिखेगा, सिक्स साइलस, ठीक है, पुष्ट साइलस, हृदय परिसरल साइलस और पेरी न्यूक्लियर साइलस। तो इस तरह जो है इसके परिसरण तंत्र नजर आते हैं जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे। कहते हैं कि रुधिर रंगहीन तरल होती है, और यह तरल जो है लसिका एवं रुधिर कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे हम रुधिर धारी यानी हिमोसाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि तिलचट्टे के रुधिर में कोई श्वसन वर्णक नहीं होता है, इसलिए श्वसन जो है गैसों के परिवहन में इनकी जो है कोई भूमिका नहीं रहती है। वह तो केवल पोषक पदार्थ के परिवहन और द्रव्य क्षैतिज दाब के बनाए रखते हैं, और जो है जलाशयश के रूप में कार्य भी करते हैं। तिलचट्टे के रुधिर का परितंत्र जो है हृदय और पक्षकार पेशियों के संकुलन और स्थलन के कारण होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग पार्ट, द हार्ट, द सेंटर पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल, देयर कनेक्टेड ट्यूब्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हियर। फ्रेंड, हियर शो द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट, दैट इज अ बहुत वेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल मेक देयर ईजली। देयर इज अ लेफ्ट एंटीरियर वेना कैवा एंड द लेफ्ट आर्कस इज अ पल्मोनरी वेनस, एंड देयर लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड हेयर राइट एंटीरियर वेना कैवा एंड आर्कस एंड द पल्मोनरी आर्टरीज एंड द राइट वेंट्रिकल्स एंड द पेरिकार्डियम्स एंड द पोस्टीरियर वेना कैवा। दिस इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम व्यू, दैट इज अ सिंपल हार्ट स्ट्रक्चर and the note the your notebooks. Here the blood, it is a circulatory fluid, a connective tissue made of fluid matrix and cell. The blood is the circulatory fluid, a connective tissue made of the blood made of fluid matrix and cell. The lymphatic system is a comprised of lymphocytes, the node of the lymphatic vessels. There is a human heart, it is a muscular organ made of cortical muscles fiber, it is able to perform its function by coordinating
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट एंड दिस फर्स्ट साइज ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ फोर हार्ट चैम्बर देयर इज कंसिस्ट ऑफ फोर हार्ट चैम्बर द टू अपर चैम्बर एट द आर्टरीज एंड द टू लोअर चैम्बर देयर आर वेंटिकल्स वेंटिकल्स इज अ टू चैम्बर द वेंटिकल हैव अ थिक मस्कुलर वॉल्स फॉर द पंपिंग ब्लड टू द लॉन्गर डिस्टेंस and the heart is covered with the membranes or pericardium the pericardium is the covered by the membranes of the heart the here show the heart diagram the arteries circulate blood in their head and shoulder is the right pulmonary arteries open the pulmonary arteries on the right anterior vena cava open of arteries vena cava arteries vena cava is the right atrium seminal as well you open up the posterior vena cava the other side is the left vena cava and pulmonary venous and opening the pulmonary veins and the opening of aorta and the left arteries which causes well and choroidic tendicle here the internal structure of human heart their most important thing okay chamber of the right ventricle and capillary vessels and posterior vena cava also and dorsal arteries and interventricular septum left ventricle and cortex ventricles and pulp valvular there is a word difference on the all organs or all part is a difference so here तो यहाँ पर जो है मानव परिसंचरण तंत्र के अंग देखिए कॉकरोच के बाद जो है आता है वो मानव परिसंचरण तंत्र के अंग होते हैं क्योंकि कहते हैं एक हम इंसेक्ट लेते हैं तो एक हम ह्यूमंस भी लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कहते हैं मानव का तंत्र जो है निम्न भागों से बटा हुआ होता है जैसे आपको पता ही है कि हृदय होती है उसमें केंद्रीय पंपन यानी पंप करना जो होता है कार्य होता है क्योंकि हृदय का मेनली काम जो है ब्लड उसके ऊपर पहुँचता है ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन ब्लडेड तो उन दोनों उसको क्या करता है वो पंचिंग करने के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है और डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में जो है ब्लड का संचरण करता है ठीक है हार्ट में जो ब्लड होती है वो प्योर ब्लड भी होती है और अनप्योर ब्लड भी होती है यानी दोनों ब्लडों को जो है ये लेके साथ में चलती है उसमें जो है रुधिर वाहिकाएँ आपको देखने को मिलेगा रुधिर वाहिका जिसको संयोजी नलिकाएं धमनी या सिराएं और कोशिकाएं भी कहते हैं दूसरा जो होगा रुधिर परिसंचरण तरल जो एक से संयोजक ऊतक होते हैं कनेक्टिव लिंक बनाते हैं और तरल आधात्री जो है कोशिकाओं का बना हुआ होता है कहते हैं उसके बाद लसिका तंत्र होता है जिसमें लसिका पर्व यानी असंधि और वाहिकाएँ होती है यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि काफ़ी ईजी है और समझना आसान है ठीक है तो इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हो ड्रॉ कर सकते हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है और ऐसे डायग्राम बनाना बहुत आसान भी हो जाता है तो इसमें आप देखोगे कि ऊपर जो है बाया महाधमनी पंप ऊपर दर्शाया गया है उसके पश्चात जो है इसमें बाया अग्र महाशिरा दिखाया गया है बाया अलिंदा दिखाया गया है फुफ्फुस शिरा दिखाया गया और बाया नीलिया दिखाया गया है दूसरे साथ अगर आप देखोगे तो दया अग्र महाशिरा दिखेगा दया अलिंदा और फुफ्फुस धमनी दिखेगा ठीक है उसके बाद है दया नीलिया और हृदय वर्ण पेरिकार्डियम्स पेरिकार्डियम्स जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पश्च महाशिरा तो इस तरह से जो है मानव के हम संरचना के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसमें क्या है उसके पश्चात देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि मानव हृदय अब मानव हृदय के बारे में हम जान रहे हैं तो उसमें क्या विशेषताएँ होती है कहते हैं यह एक पेशी अंग है जो हृदय पेशी जो है रेशों का बना होता है यह अपना कार्य अपने संकुचन और स्थलन के और अपने भीतर स्थित अनेक कपाटों खुलने और बंद होने के लिए तैयार करती है आपको पता ही है कि जो इसमें डायग्राम दिखाया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहते हैं इसके बीच जो है सामंजस्य स्थापित करने का संपन्न करती है और जो है मुठ के आकार का यह अंग चार कक्षों में बना हुआ होता है अगर आप अपनी मुठ्ठियों को बंद करते हो ना इतने साइज का ही हमारा हृदय होती है और इसमें कहते हैं दो ऊपरी अक्ष और दो नीलिया अक्ष नीले भित्तियाँ और मोटा पेशी युक्त होती है ताकि रुधिर को जो है शरीर के दूरवस्थ भागों तक पंप कर सके और हृदय के जो है चारों ओर झिल्ली चढ़ी होती है जिसे हम हृदय वारण कहते हैं हृदय और प्लस वारण यानी पेरिकुडियम कहते हैं पेरिकुडियम का मतलब ये होता है पेरी मतलब अराउंड और प्लस कार्डियल यानी हार्ट हृदय कहते हैं तो इस प्रकार जो है ये अपना कार्य करता है अब यहाँ पर जो है हृदय के जो है सेक्शन के बारे में जानना उसके पार्टों के बारे में जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो वो तो ऊपर वाला जो हमने हार्ट देखा था बहुत आसान था और ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टों को भी दर्शाया गया है ठीक है तो इसमें आप देखोगे तो दाएं फुफ्फुस धमनी दिखेगा फुफ्फुस धमनी का रंध्र दिखेगा दया अग्र महाशिरा दिखेगा दाएं अग्र महाशिरा रंध्र दिखेगा अग्र महाशिरा दिखेगा अब देखिए यहाँ रंध्र की बात किया गया है तो रंध्र जो होती है दोस्तों वो प्लांट में भी पाया जाता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं ठीक है और यहाँ पर भी रंध्र है तो इसका मतलब है कि इंसान और प्लांट में कितना कुछ सिमिलरिटी ही होती है ठीक है
अग्र महाशिरा दिखेगा, दाया अलिंदा, अर्ध चंद्रकार कपटाल, पश्चिम महाशिरा रंध और पिटल कपाट और दाया नीलिया कक्ष दिखेगा, पहले स्पेशिया पश्चिम महाशिरा। और दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वाई महाशिरा दिखेगा, फुफ्फुस धमनियाँ दिखेगी और फुफ्फुस सिराओं के रंध दिखेंगे, महाधिवनी के रंध दिखेंगे और बाया नीलिंदा और डिवल्स कपाट और कंडोर रज्जू और बाया नीलिया और अंतरा नीलिया पट्ट भी दिखेगा। ठीक है, पुष्ट महाधिवनी सबसे नीचे होगा। ठीक है, दोनों साइड बना होगा, पश इधर पश्च महाशिरा होगा, इधर पुष्ट महाधमनी होती है, जो मानव शरीर की जो है अंत संरचना के विषय में जो है विस्तृत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देती है। देयर फर्स्ट टॉपिक इज अवेलेबल इनसाइड देयर हार्ट। तो लग रहा था फ्लोइंग वैल्यू ऑफ फिगर्स 15.3 देयर आर्टेरियस वेंटिकुलर्स वेव देयर बिटवीन द आर्टेरियस एंड वेंटिकल। देयर फर्स्ट इज द राइट आर्टेरियस वेंटिकल इज वैल्यू तो ट्रास्कोप इट इज वैल्यू, द लेफ्ट आर्टेरियस वेंटिकल इज वैल्यू ऑफ बाई कॉप्स वैल्यू एंड सेमी लेनार्ड इज द वैल्यू देयर इज द ओरिजिन ऑफ द आर्टेरियस एंड पल्मोनरी आर्टेरिया। द वैल्यू ओपन ओनली ऑन द वन साइड लाइक अ डोर, दे रेगुलेट देयर फ्लो ऑफ द ब्लड बाय द ओपनिंग वन साइड टू द लेट द ब्लड फ्लो आउट देयर वन डायरेक्शन only and prevent the back flow of the blood. There is most important work here. There is a one side to be a left blood is a flow out in the one direction only and prevent the back flow of a blood. Their second point is a heartbeat and cardiac cycle. There is a heart beating of heart. Beatings of heart is goes on itself as long as alive. There is a long as one is alive. Each heartbeat is a consist of their step, mention flow, their make two sound, love, dove, doing to the each beat. There is a most important sound here, produce of heart, love, dove. There is a make a two sounded. The heart is a beat start with the contraction or stolosis of the arteries, flow by the relaxation or distal. There a bulb sound or a first heart sound occurred due to the choruses of the atrioventricular valve. There arteries systole. There a contraction of the ventricles flow by the relaxation is accompanied by the doves sound or the second heart sound occurred due to the closure of the semi Lennard's valves and the air. There a beginning of the every heartbeat with a fourth chamber of heart are in the relaxed state is a join a distals and there the stage of the venous cava is a pure deoxygenated blood into right arteries and the pulmonary veins is a pure is oxygenated blood into the left arteries and the heartbeat originate to the sinuosus arterios is a node or SA node. Their name is a simple sinuosus arterios node is a called SA node, which is a modified is a part of muscular walls in the upper corner of the right arteries. Arteriums and as a result, right arteriums is a contract artery cuffed as well as the push open and deoxygenated blood enter to the right ventricle. There is a deoxygenated blood there enter to the right ventricle at the same time. The viscosus is a value is the pushed open and oxygenated blood flow into the left ventricles. Arterios as a ventricular node means AV node. The arterios ventricular node is called AV node. Modified the muscles is localized in the anterior septum and when to the impulse is come from the SA node to AV node. The contracted is arterios began to relax and impulse past a bundle of HIS. The lining in the intraventricular septum, there is the pass of the Purkinje's fiber. Purkinje's fibers of lying in the balls of the ventricle as a result ventricular contraction means ventricular systole. There is so the entire structure, there are vagus nerves and sinus arterios node here and spread the excretions and of course is the ventricular nodes is the arcuates ventriculars bundles is the HIS is a both are called Purkinje's system. There is the most important here. Here the structure, there is a position of the sinus arteries and arterial ventricular nodes and there are bundle of HIS is the conduction of impulse for the heartbeat. The sinus since in the sinus arteries node is initiated their regularized to the heartbeat, it is also called their pacemaker. There is a heart is regularized and their heartbeat is called to the pacemaker. The pacemaker is influenced by the nerve hormones
CO2 एंड O2 कंटेंट ऑफ द ब्लड एंड हार्ट. डू यू नो सम टाइम द SA आर्टरीज नोड मे बी बिकम अ डिफेक्टेड आर्ट डैमेज. अ पर्सन मे बी नीड टू हैव अ आर्टिफिशियल पेस मेकर ग्रेफ्टेड इन देर चेस्ट. दिस रेगुलाइजेशन ऑफ द हार्ट बीट द इलेक्ट्रोकार्डोग्राम्स मीन्स ECG. The ECG full form is electrocardiograms. Is the most important is the instrument that record the conduction of the heart beat. This helps to detect to the heart beat is a disorder. There is a disorder of the heart beat. There is the most important instrument of electrocardiograms is the used by the conduction of the heart beat. दोस्तों यहाँ पर जो है हृदय के भीतर इस कपाट के विषय में हम जानेंगे. देखिए हम जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हार्ट के जो पार्ट है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे. ठीक है, तो इसमें कहते हैं सबसे पहले तो यही आता है कि हृदय के भीतर स्थित कपाट. देखिए ये जो है आप अगर इसको पहचानना चाहोगे तो आपको लगेगा ये दाया अलिंदानिलीय कपाट अथवा तिवल्यन कपाट. ट्राइस्कॉल ट्राई मीन्स तीन, कैपिटल मीन्स एज अ पॉइंट के रूप में ये आपको मिल दिखेगा. कहते हैं बाह्य अलिंदा नीलिय जो है कपाट अथवा द्विवलंगन कपाट बाय स्वेप्ट स्पेस के दो वल्यन माँ धमनी और फुफ्फुस धमनी के उद्गम स्थल पर जो है अर्धचंद्रकार कपाट दिख जाता है. कहते हैं ये कपाट किसी दरवाजे की भांति केवल एक ही दिशा की तरफ खुलते हैं और केवल एक ही दिशा में खुलते हुए रुधिर प्रभाव का नियमन भी करते हैं ताकि रुधिर एक ही दिशा में बहे और इस प्रकार रुधिर को विपरीत दिशा में बहने को रोकता है. देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि हृदय जो है जो हमारा ब्लड बहता है वो सदैव ही एक ही दिशा की तरफ बढ़ता है. उसके बाद पश्चात है हृदय स्वंदन और हृदय चक्र. कहते हैं जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक हृदय स्वंदन स्वयं अपने आप होता ही रहता है. यानी एक तरह से ये अनुचित क्रियाएं हैं. ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते और ये इसको आप बंद नहीं कर सकते. प्रत्येक हृदय स्वंदन में निम्नलिखित चरणों में पूरा होती है. एक चक्र पूरा करने के दौरान मुख्य दो प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, एक लव एक डव. लव डव ये तो आपको धड़कन पता ही है कि आप सुनोगे तो कहेगा डक डब, यानी लव डब की आवाज़ आपको सुनाई देगी. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि हृदय स्वंदन शुरुआत जो है लिंदा के संकुचन अथवा संकुचन के बिंदु होता है सेट्रोल्स से होता है, जिसके बाद जो है स्थिलन और अनुस्थिल की अवस्था में होती है. लव की ध्वनि का हृदय की पहली ध्वनि अलिंदा निर्धारित कपाट के बंद होने के कारण होता है. जब ये बंद होता है तो हमें कैसा आवाज़ सुनाई देता है, लव की आवाज़ सुनाई देता है. लेकिन कहते हैं नीलिया का संकुलन के बाद उसके शीतलन की अवस्था आने पर डब ध्वनि अथवा हृदय की दूसरी ध्वनि सुनाई देती है. ये सब चंद्रकार कपाटों के अंदर होने के कारण उत्पन्न होती है. देखिए कपाट के अंदर होता है इसलिए जो है हमें लव और डब की जो है आवाज़ सुनाई हृदय से देती है. कहते हैं प्रत्येक हृदय स्पंदन के आरंभ में हृदय के चार कक्ष स्थिल अवस्थाओं में होती है. इस अवस्था में जो है महाशिरा यानी वेना कैवा जो है वी ऑक्सीजनेट रुधिर को दाएं अलिंदे में डाल देता है और फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजनेट रुधिर को बाएं अलिंदा में छोड़ देता है. तो इस प्रकार जो है कार्य भी करता है. कहते हैं हृदय स्पंदन का आरंभ जो है सिरानाल अलिंदा पर्व यानी SA नोड में होता है, जो कि दाया अलिंदा कक्ष की पेशी भित्ति की एक रूपांतरित भाग होता है. कहते हैं सिरानाल जो अलिंदा पर्व दाया अलिंदा के ऊपरी कोने पर ही स्थित होती है, जैसे हम चित्र में आगे देखेंगे. उसी के कारण जो अलिंदा में संकुचन उत्पन्न होती है, इसके परिणाम स्वरूप जो है त्रिभट्टीय कपाट जो है धक्के के साथ खुल जाता है और जो है वी ऑक्सीजन रुधिर दाया निलयन में प्रवेश कर जाता है. ठीक इसी समय जो है द्विवल्यन कपाट धक्के के साथ खुलता है और ऑक्सीजन जहित रुधिर बाएं निलय में चला जाता है. कहते हैं यहाँ पर अलिंदा नीलिया पर्व यानी AV नोड जो होती है रूपांतर पेशी अंदर अलिंदा पट में स्थित होती है. जब आवेग SA पर्व से AB पर पहुँचता है तो संकुलित संचार स्थिर पड़ने लग जाती है, यानी धीरे पड़ने लग जाता है. यह आवेग अंतर नीलिय पट में स्थित हिस यानी बंडल में जो है हिस HIS में पहुँचता है और वहाँ से नीलिय को जो है भित्ति में स्थिर जो है पुरकुंजोदेश यानी क्रोकल फाइबर रुकेल फाइबर में पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप नीलिय सकुचलित हो जाती है यानी ये सिकुड़ जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो है सिरानाल अलिंदा और अलिंदा नीलिय पर्व के हिस्स मंडल की स्थिति एक हृदय सपस के आवेग को संचलन करता है. इस चित्र को दिखाया गया है. ये चित्र में अगर आप देखोगे तो देखिएगा आपको वेग तंत्रिका दिखेगा और जो है इसी के साथ जो है सिरानाल अलिंदा पर्व भी आपको नजर आएगी. सबसे ऊपर जो है उत्तेजन का फैलाव दिखेगा.
ठीक है, साथ में जो है अलिंदा नीलियो और नैरज पर्व अलिंदा नीलियो और बंडल एच आई एस भी दिखेगा, जिसे हम पुरकेंच तंत्र भी कहते हैं, यानी सारे मिला के जो है पुरकेंच तंत्र का निर्माण यहाँ पर करता है। कहते हैं उसके पश्चात दोस्तों हमारे समक्ष जो है कहते हैं क्योंकि सिरा नाल जो है अलिंदा व हृदय संबंध के आरंभ होती है तो उसका जो है निर्माण करती है, इसलिए इसे हम जो है गति चालक या क्षति प्रेरक यानी पेस मेकर भी कहते हैं, यानी क्षति प्रेरक कहते हैं यानी पेस मेकर के नाम से जानता है जानते हैं। पेस मेकर पर जो है तंत्रिका हार्मोन रुधिर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा जो है ऊर्जा आदि प्रभाव पड़ता है, यानी इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है अधिक जो है ऊष्मा के कारण इस पर जो है प्रभाव पड़ता है। क्या आप एक बात जानते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है ऐसे सिरानाल अलिंदा नोड दोषपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त भी हो जाता है, ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को एक कृत्रिम पेसमेकर की आवश्यकता होती है जिसे उनके सीने के भीतर रोपित कर दिया जाता है, और इसे हृदय से पश्चिम निम्न भी कहते हैं। कहते हैं हृदय जो है विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, इसको हिंदी में हम कहते हैं विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह यंत्र है जो हृदय संबंध के संचरण को रिकॉर्ड करता है और इस यंत्र को जो है हृदय संबंध विकार के जाने सकने में भी सहायता हमें काफ़ी हद तक इसे मिलता है। द अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्लड वेसल्स। फ्रेंड हियर द ट्यूब इज अ ट्रांसपोर्टिंग ब्लड आर कॉल्ड टू ब्लड वेसल। द ट्यूब्स आर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल। देयर बॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैज अ थ्री लेयर्स इज ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड द ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। देयर इज अ थ्री टाइप्स हियर। देयर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन। देयर आर्टरी कैपिलरी and the vein there is a three vessels different in structure and speed of blood flow as shown in their diagrams and comparison structure of function of the arteries and capillary in the vein. The friend here show the important table the arteries capillary and vein. The artery is the one, capillary is the second and vein is the third. There is first is a transport blood away from to heart means artery and capillary is the second is a capillary link to arteries vein to exchange of materials between to blood and tissue which also have a capillaries and veins is the site of transport of blood toward to the heart and other side is the arteries is the tunica media is a thick and they are composed of elastic muscular tissue but other side is the second is the capillaries is a non-toxin media is only single layer of cell forming two endotheliums no elastic fiber here present and veins is the tunica media is a relatively is a things only slightly muscular a few elastic fiber also present here. The first is a no semilunar value as a long arteries and second is a semilunar value of present and third here the semilunar value is there present all along their length of vena as internal prevent a lack back of flow of blood. There the first is a pressure of blood is a high and arteries are pulsatile. The here is the second is a pressure of blood is a falling and non pulsatile. There is a third is a pressure is a flow and the low and the non pulsatile is here and the first is a flow of rapidly their blood flow is rapidly and second is the blood flow slowly and third is blood flow slowly and here first the low blood volume is a blood is oxygenated aspect of pulmonary arteries and the second is a high blood volume the mix of oxygenated and deoxygenated blood. There is a third is a blood deoxygenated aspect in a pulmonary venous and here a small lumens and here is extremely nerves lumen is the second a large lumen is there present. Here is show the structure the tunica interna and the endothermals and the large lumens. There is an important part of their side. Arteries are divided into the arterioles and then into the capillaries. This way to their come in the contact with the all the tissue and bath their cells with the blood plasma. The diagram is 15.4 is show their possible routes that a blood may be taken between two arterioles, capillaries, bath and their venous and capillary joined to form a venous. The venous are the thick blood vessel that joined to form a veins. And the first is a major arteries veins. There is blood that has been circulated through their body has lost much of
ऑक्सीजन इट इज अ कैरी दिस डी ऑक्सीजन ब्लड रिटर्न टू बी हार्ट बाय द टू मेजर वेन्स इज द फर्स्ट इज द सुपीरियर वेना कावा एंड सेकेंड इज इनफीरियर वेना कावा द फर्स्ट इज अ वेरिंग टू द डी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम टू हेड एंड शोल्डर रीजन देर इज अ सुपीरियर वेना कावा इज द ऑनली डी ऑक्सीजन ब्लड इज बेरिंग टीयर इज द हेड एंड शोल्डर and second is inferior vena cava was wearing a deoxygenated blood from to lower part of body this is a vena cava open in the right arteries is referred to the diagram and contracts to the region of arteries forced by blood into the right ventricle the here the important of diagram there is a heart is a heart arteries arteriolar tissue cells and lymph capillaries venum venous lymph vessel lymph nodes are here there is important diagram for here there is a complete diagram there wrote and that blood take between two arteries capillary beds and the venum there is a blood capillaries a lower side and tissue fluid is a lymph is also and tissue cell and the lymph capillaries is present here the contraction of the right ventricle is a pump blood into the pulmonary arteries which a transport the blood into the lung the blood get oxygenated in the lungs and return to be a left arteries through the pulmonary veins and the blood then pass from to the arteriums into the left ventricle is a pump blood into aorta and that aorta is distribute to the blood throughout their body see in the flow of diagram given below which is a summarize the path of blood through their entire circulatory system and next is the double circulation what do you mean to double circulation since the blood pass twice through their heart its term is a double circulation the blood pass through the twice is called to the double circulation the first deoxygenated blood pass from the body to heart and oxygenated blood from heart to body that means is a double circulation the deoxygenated blood pass their body and second is a in the heart or oxygenated blood from their heart to the body it is called to the double circulation here is the second is the deoxygenated blood flow from to heart to lung and oxygenated blood from lung again to the heart from a lungs there is show that pivotal diagram their body heart and lung but here is the lung is returned to the heart a heart is returned to the body there is same procedure again and again this is most important in some circulation there a blood pass through the heart twice once from a body to the heart to the lung and second time from lung to the heart to the body the here path of circulation there first from a body heart vena is carried to the blood from the tissue with the very little oxygen and a lot of carbon dioxide to right arteries entry cuspid is the value of the open right ventricle also and there goes base to the pulmonary arteries in the pulmonary arteries the pulmonary arteries carry the blood to the lung to give up carbon dioxide and the collected to O2 there is the pulmonary veins and there is go waste to the pulmonary venous carries the oxygenated blood back to the left arteries of heart and there is go to the left arteries and the viscous valvule is the next and the left ventricle is goes with the aorta the carry blood into the lot of oxygen and distribute where the oxygen blood to different part of body but one fact pulmonary arteries is the only arteries that is carry the deoxygenated blood to pour in the oxygen blood it is called to arteries is a carry blood away from heart as in pulmonary veins it is the only veins that carry our oxygenated blood rich in oxygen it is called veins is a carry blood into heart दोस्तों यहाँ पर जो है रुधिर वाहिकाओं के बारे में हमने पढ़ना है हमने जानना है कि रुधिर वाहिकाएँ क्या कार्य करती है कहते हैं रुधिर को तो जो है ला ले जाने वाली नलिकाओं को जो है रुधिर वाहिकाएँ कहते हैं रुधिर वाहिकाओं की जो है भित्ति में तीन परतें होती है देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है भित्ति में तीन परतें होती है बाह्य कंचुका यानी ट्यूनिका ठीक है मध्य कंचुक या और अंत कंचुक इसको हम ट्यूनिका के नाम से जानते हैं जिसको हम मध्य और अंत और बाहर के नाम से भी जान सकते हैं ये रुधिर वाहिकाएँ तीन प्रकार की और होती है जैसे धमनी कोशिकाएँ और सिराएँ कहते हैं अपनी संरचना और रुधिर बहाव की दर को संदर्भ में इन तीनों वाहिकाओं की संरचना में और रुधिर प्रवाह की गति में अंतर होता है जिसको हम आगे भी तालिका में दर्शाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर देखोगे तो तालिका दिखेगा जिसमें धमनी कोशिका और सिरा की संरचना और कार्य के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है
देखिए पहला है धमनी, दूसरा है कोशिका, तीसरा है सिरा है, तो ये याद रखना है आपने। कहते हैं पहले धमनिया में जो है रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, हृदय से जो है रुधिर को दूर ले जाने का कार्य ये करती है धमनी, ठीक है, यानी वो पंपिंग करती है। उसके बाद कोशिका है, देखिए कोशिका जो होती है धमनी की सिराओं से जोड़ती है ताकि रुधिर और उत्को के बीच पदार्थों का आदान प्रदान इसमें भी कोशिका से हो सके। उसके पश्चात है सिराएँ, देखिए सिराएँ का जो है रुधिर को हृदय की ओर लाती है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य भी रहता है। उसके पश्चात है मध्य कंचुक मोटी और प्रस्थस्पेशी ऊतक की बनी होती है, इसमें मध्य कंकुलिप नहीं होती है और कोशिका का केवल एक स्तर होती है जिसको हम एंडोथेलियम्स बनाता है और प्रत्येक रेशे भी नहीं होता है। और सिराओं में जो होती है मध्य संकुलन अपेक्षाकृत रूप से में पतली होती है और इसमें केवल थोड़ी सी ही पेशियाँ होती है, केवल थोड़े से प्रत्येक रेशे भी पाए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके पश्चात है पहले में जो है धमनी होकर अर्धचंद्रकार कपाट नहीं होते हैं, लेकिन दूसरा में जो होता है दोस्तों एक अंधचक्कार कपाट होता है, यानी अर्धचंद्रकार जो है कपाट होती है। और तीसरे में जो बात बताता है कि अर्धचंद्रकार कपाट थोड़ी थोड़ी अंतराल पर मौजूद होते हैं जो रुधिर के विपरीत दिशाओं में बहने को रोकते हैं, यानी ये दूसरे दिशाओं में बहने से रोक देता है। देखते हो हमारा हार्ट में जो सर्कुलेशन होती है सदैव एक ही दिशा में होती है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल निभा रहा है। कहते हैं रक्त दाब उच्च होती है तब क्या होता है, कहते हैं उच्च दाब जो पहले में उच्च हो जाती है और दूसरा में जो होगा रुधिर दाब अवरोही यानी गिरने वाली होती है, और तीसरा में क्या फ़र्क पड़ेगा, रुधिर दाब जो है कम होती है और जो है संपादित रहेगी, ठीक है। उसके बाद है धमनी संपादन समाधान होती रहती है, इसमें जो होगा धमनी संपादन नहीं होती है और इसमें भी नहीं होती है। इसमें कहा जाता है कि रुधिर तेज़ी से बहता है, देखिए रुधिर जो है पहले वाले में तेज़ी से बहता है लेकिन दूसरे भाग में पार्ट में जो है रुधिर की गति बहुत मध होती है, यानी गति मध हो जाती है, और तीसरे में जो होती है रुधिर मध गति से बहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं रुधिर का आयतन कम होता रहता है, ठीक है, रुधिर का आयतन उच्च रहती है लेकिन दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में जो होता है रुधिर आयतन काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है यहाँ पर। पहले में कहते हैं रुधिर ऑक्सीजनित केवल वह धमनी को ही छोड़ कर जाता है, लेकिन यहाँ जो दोस्तों होता है दूसरे में ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित दोनों प्रकार के रुधिर मिश्रित होते हैं इसके अंदर, ठीक है, दूसरे वाले में दोनों प्रकार के जो होते हैं ब्लड मिश्रित होते हैं, और तीसरे में देखोगे तो रुधिर जो है वी ऑक्सीजनित केवल फुफ्फुस सिराओं को छोड़कर सभी में प्रेजेंट होते। उसके पश्चात अंतिम है, पहले में कहते हैं कि लघु अवकाशकीय होती है, दूसरे में जो होता है अतिसंकरीय अवकाशकीय होती है, और तीसरे में जो होता है अवकाशकीय बड़ी होती है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हो जो कि काफ़ी विशिष्ट है, टर्निरी इंटरनल एडोथीलियम्स और जो है वित्त अवकाश की है, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी विशिष्ट लगता है, तो इस प्रकार डायग्राम भी आप मेंशन कर सकते हो तीनों में से किसी का भी। कहते हैं धमनिया में विभाजित होकर धमनिया जो है आर्टरियोलिस बनाती है, जो फिर से वह भी आगे विभाजित होकर जो है कोशिका यानी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी ये जो है आगे डिवाइड हो जाता है। कहते हैं कि आगे विभाजित होकर जो है कैपिलरीज बनाती है और इस प्रकार वे सभी ऊतकों के संपर्क में आ जाती है। देखते हो हमारे बॉडी में जो कैपिलरीज गए होते हैं हर एक ऊतक में जो है अपना विशेष योगदान दे रहे होते हैं। कोशिका को रुधिर प्लाज्मा से तर किए रखती है, इसमें रुधिर का जो है संवहनी मार्ग दिखाई देता है। धमनिकाओं जो होती है कोशिका स्तर को जो है सिरका यानी वेनस के बीच हो सकती है, कोशिका सिकुड़ कर जो है सिरकाएँ बनाती है। सिरकाएँ जो है बारीक बारीक रुधिर वाहिकाएँ होती है जो जुड़कर सिराओं के रूप ले लेती है। आपने देखा होगा कि हाथ उध में देखोगे तो ये जो है बहुत सिराएँ जो होती है बिल्कुल ही बारीक बारीक होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना स्थान यहाँ पर रखती है। इसके रिगार्डिंग जो है पहली बात यही आता है कि प्रमुख धमनियाँ और सिराएँ, देखिए प्रमुख धमनियाँ और सिराएँ क्या है, इसे क्या कार्य है। कहते हैं जो रुधिर शरीर में परिसंचरित हो चुकी होती है उनके द्वारा ले जाए वाली अधिकांश जो है ऑक्सीजन निकल चुकी होती है, यह जो है वी ऑक्सीजन रुधिर को दो प्रमुख सिराओं द्वारा वापस हृदय में पहुँचाते हैं, एक जो है उधर महासिरा, ठीक है, दूसरा जो है निम्न महासिरा। तो इसमें जो है उधर महासिरा में जो है सिर कंधे यानी से रुधिर लाती है, देखिए सिर और कंधों से जो है रुधिर हृदय तक ले जाती है,
और दूसरा में जो है निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग में रुधिर लाती है, निचले भाग में जो है रुधिर लेके आती है। ये दोनों महाशिराएं दायां अलिंदा में खुलती है, कहाँ खुलती है दोस्तों, दायां अलिंदा में खुल जाती है। दायां अलिंदा में संकुलित होने पर रुधिर दबाव के साथ दायां विनिलिया में पहुँचा दिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। यहाँ पर आप देखोगे कि एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें धमनी जो है कोशिका जाल और सिरका लघु शिरा के बीच रुधिर के बहाव का जो है मार्ग निष्पत्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें ऊपर दिखेगा हृदय, ठीक है, हृदय दिखेगा, उसके बाद शिरा दिखेगा और इधर सारी धमनी दिखेगी। तो ये सर्कुलेशन जो है पूरा पार्ट में होता है, जिसमें लसिका बाइका है, लसिका पर्व आपको नजर आएगा, ठीक है। और इस तरह से जो धमनियाँ, सिराएँ, लसिका कोशिका और रक्त कोशिका और उत्तक तरल लिम्फ्स उत्तक कोशिकाएं, तो ये सारे मिलके जो है इस प्रकार जो है बॉडी को विभिन्न विभागों में पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते दायरे लिए के संकुलित होने पर रुधिर फुफ्फुस धमनी यानी पुलोनरिस आर्टरीज में जो है पंप कर दिया जाता है, जो रुधिर को फेफड़े में ले जाती है, ठीक है। यानी फेफड़े में ले जाने कार्य जो होते हैं फुफ्फुस धमनी की होती है दोस्तों। फेफड़े में रुधिर जो है ऑक्सीजन हित हो जाती है, यानी जैसे ही ये फेफड़े में जाती है वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाती है और ये ऑक्सीजनित हो जाती है, यानी फेफड़े में जो होती है दोस्तों ऑक्सीजन मिलती है। देखिए फेफड़े का कितना महत्वपूर्ण कार्य है, फिर भी लोग जो है सिगरेट बीड़ी पी पी के जो है फेफड़े को ख़राब कर देते हैं। अगर मान लीजिए जो कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा फेफड़ा जो है ख़राब हो रहा है और वहाँ जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा। जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल ही नहीं रहा तो हमारे शरीर में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही फैलेगा। और हम एक तरह से आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं इंसानों के लिए एक जहरीला गैस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम CO मिला देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है और ये जो है जहरीला गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति शराब दारू पीते हैं उनमें तो कैसे जो है ब्लड प्योर होंगे, ये सोचने वाली बात है। कहते हैं इसके पश्चात जो है रुधिर बाहर अलिंदा से बाहर इलिया में आ जाता है, बाहर इलिया रुधिर को महाधमनी के पंप कर देता है और ये महाधमनी बाएं तरफ से जो है घूम जाती है, यानी घूम जाती है और फिर रुधिर को जो है सारे शरीर में पहुंचा देती है। कहते हैं ऊपर दिया गया प्रवाह और एक समस्त परितंत्र में रुधिर मार्ग का संक्षेप दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि दोहरी परिसंचरण क्या होती है एंड डबल सर्कुलेशन क्या होती है, क्योंकि हृदय जो है आपको पता है कि रुधिर जो होता है हृदय में से होकर दो बार प्रभावित होती है, एक बार आने टाइम एक बार जाने टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोहरी परिसंचरण, यानी एक बार रिसीव करती है फिर उसको क्या करती है फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है बॉडी के डिफरेंट पार्टों में। तो पहले में जो होता है वी ऑक्सीजनेट ब्लड यानी डी ऑक्सीजनेट ब्लड को जो है रुधिर हृदय से ऑक्सीजनेट रुधिर को हृदय के शरीर में लाता है, यानी जाता है यहाँ से लेके विभिन्न विभिन्न भागों से हृदय में, ठीक है। वहाँ पर जो है फिर डी ऑक्सीजन ब्लड रुधिर हृदय से फेफड़े और ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़े में ले जाता है। तो ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पहले जो होता है हमने काम किया यूज़ किया तो हमारा ब्लड जो हो गया डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो इसको जो है हार्ट तक ले जाएगा और हार्ट से क्या करेगा लंग्स तक पहुँचाएगा। अब फिर दोबारा जो है लंग्स से हार्ट में जाएगा, ठीक है, और हार्ट से जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये दोहरी भूमिका अदा करता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं दोहरी परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया जिसमें शरीर और हृदय और फेफड़ा, ठीक है, फिर देखिए फिर वही प्रोसीजर हो जाता है फेफड़ा हृदय शरीर, तो ये प्रक्रिया जो है एक सर्कल के रूप में चलता ही रहता है। कहते हैं जिस प्रकार इस जो है पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है, रेन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो है हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन इंसानों की गलती की वजह से ये सर्कुलेशन जो होती है बंद हो जाती है, जिसको हार्ट अटैक का नाम दिया गया है। तो हमें इन बातों पर जो है बहुत ध्यान से गणना और समझने की आवश्यकता है और इस पर सोच विचार के अपने जीवन यापन करने की यहाँ पर आवश्यकता है। कहते हैं एक पूरी परिसंचरण में रुधिर दो बार हृदय से होकर गुजरता है, एक बार वो शरीर से हृदय में और फिर फेफड़े में और दूसरी बार फेफड़े से हृदय में और फिर शरीर में। तो ये तो बात आप समझ ही गए होंगे। तो ये परिसंचरण मार्ग में क्या क्या होता है, अगर ऐसा परिसंचरण मार्ग खुलता है तो इसमें आप देखोगे एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है। पहले शरीर में हृदय में महाशिरा उत्को और बहुत कम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर रुधिर को दायां अलिंदा में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है त्रिपटल का पार्ट खुल जाता है और दायां नीलिया फुफ्फुस धामनी, ठीक है, की तरफ चला जाता है। फुफ्फुस धामनी जो रुधिर को फेफड़े तक ले जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं फेफड़े में छोड़ दे और ऑक्सीजन को प्राप्त कर ले।
उसके पश्चात जो फुफ्फुस सिराए ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फुफ्फुस सिराओं हृदय बाएं अलिंदा में ले जाती है, ठीक है। और जब बाएं अलिंदा में चला जाता है तो बाएं अलिंदा में जाएगा, फिर दिल वेन कपाट में जाएगा, फिर बाएं नीलिया में, फिर लास्ट में धमनिया में जाएगा। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन से लदे भरपूर रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचा दिया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं यहाँ पर एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि फुफ्फुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें जो है बी ऑक्सीजन ब्लड कम यानी ऑक्सीजन वाला रुधिर बहता है, यानी ऑक्सीजन जो है कम यहाँ बहता है, यानी फुफ्फुस धमनी में जो दोस्तों होता है यहाँ बहुत ही कम ऑक्सीजन जनित ब्लड बहता है, क्योंकि यह वाहिकाएं रुधिर के हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है, इसलिए धमनी कहलाती है, ठीक है। उसके पश्चात हमारा फुफ्फुस सिरा, यह एकमात्र सिरा है जिसमें जो है ऑक्सीजन जनित ओट टू से भरपूर रुधिर बहता है, और यह वाहिकाएं रुधिर के हृदय में ले जाने का कार्य भी करती है, अंततः ये सीरा कहलाता है, यानी ये दोस्तों क्या कहलाता है, ये सीरा कहलाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ अपना स्थान रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल इस संदर्भ पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाल श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th class 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है, साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाल श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।